लूट कर ले गए। वो सूचना पर कंट्रोल रूम से सूचना दी गई, नाकेबंदी कराई गई और SHO मुरलीपुरा, ECP झोटवाड़ा, अन्य अधिकारी, DST टीम इंचार्ज तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और बदमाशान का पीछा किया। पीछा करने पर ज्वेलर्स की शॉप से आभूषणों के साथ में एक उनकी स्कॉर्पियो भी बदमाशान जो है वो अपने साथ ले गए थे। तो पीछा करने पे जो स्कॉर्पियो और एक स्कूटी जिस पे आकर के वारदात की थी वो दोनों एक्सप्रेस हाईवे पे दिल्ली रोड की तरफ लावारिस स्थिति में पड़ी मिल गई। वहां से बदमाशान जो है किसी अन्य वाहन में बैठ करके दिल्ली की तरफ आगे भाग गए। इसके बाद गहन तफ्तीश की गई। एडिशनल DCP बजरंग सिंह जी, ACP हरीशंकर और SHO राम अवतार, साथ में हमारे देवेंद्र सिंह DST इंचार्ज, इन सब की टीम बनाई गई। अन्य विभिन्न दिशाओं में टीम भेजी गई। प्रारंभिक अनुसंधान में जब जो सूचना थी कि इस एक स्कूटी से तीन बदमाश दुकान पर आए, उस स्कूटी की चोरी होने के बारे में जो सूचना प्राप्त हुई उसकी तस्दीक की गई, तो मालूम चला कि वह स्कूटी वास्तव में चोरी नहीं होकर के एक संदिग्ध व्यक्ति जो है उसको मांग के ले गया था। इस सूचना पे हमने एक विनोद प्रजापत नामक व्यक्ति जिसने अपनी एक मित्र की स्कूटी लाकर दी थी उसे पूछताछ के लिए लाया गया और पूछताछ की गई। पूछताछ से यह जानकारी प्राप्त हुई कि इस घटना का मुख्य जो सरगना है वो दिलीप स्वामी उर्फ माही है, जिसके साथ में दो अन्य बदमाशन थे जिन्होंने इसमें घटना की थी। इस पर हमने विभिन्न मार्गों पे दिल्ली के और जाने वस्तु नाकेबंदी कराई, तलाश कराई गई और जो आसूचना संकलन हमने किया उससे मालूम चला कि दिलीप उर्फ माही, पंकज, रमन और इन व्यक्तियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, तो इनकी तलाश की गई। तलाश में हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक मुलजिम दिलीप जो कि इसमें मुख्य अभियुक्त भी है वो दिल्ली और दिल्ली से आगे हिमाचल की तरफ जाना प्राप्त जानकारी में आया। सब इंस्पेक्टर सुनील को उसकी तलाश में वहां भेजा गया और हिमाचल प्रदेश की पुलिस के सहयोग से हमने उन्हें वहां दस्तयाब किया और वह उसे लेकर के गुड़गांव पहुंचे। गुड़गांव पहुंचने में अनुसंधान अधिकारी जो पहले तफ्तीश अनुसंधान में वहां रेवाड़ी और गुड़गांव की तरफ गए हुए थे वहां लाके उनसे पूछताछ की गई, तो पूछताछ के अंदर ये ज्ञात हुआ कि इस पूरी वारदात को उदयपुर जेल में बंद एक उत्तर प्रदेश के शातिर अपराधी मुकीम ने योजना तैयार की थी और उसने माही उर्फ दिलीप को इसको अपनी योजना बताई और उत्तर प्रदेश से कुछ बदमाशों से उनको हथियार उपलब्ध कराए और हथियार उपलब्ध कराने के बाद में दिलीप, पंकज, रमन और तीन ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस पूरे घटनाक्रम को बड़े वारदात को बड़ी योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने अंजाम दिया है। सबसे पहले जेल से बंद अपराधी मुकीम ने उत्तर प्रदेश से दो अपराधियों से हथियार मंगवाए और साथ ही माही के साथ में अन्य दो अपराधी जिनका नाम अब तक जानकारी में नाम पंकज और रमन आया है इनको भी बुलाया और ये वारदात अंजाम दी। साथ ही इसके अलावा इन्होंने बड़े योजनाबद्ध तरीके से वारदात करने के बाद एक स्थान पर जो जिस वाहन से गए थे उसको छोड़ के दूसरे वाहन लिया और रेवाड़ी की तरफ गए और रेवाड़ी में फिर आगे तीसरे वाहन से ये व्यक्ति आगे गए। तो इस प्रकार से अनुसंधान टीम SHO के नेतृत्व में रेवाड़ी गई और वहां जाकर के इन्होंने अनुसंधान तफ्तीश करी और वहां से दो अपराधी सुमित और दीपक जो रहने वाले रेवाड़ी जिले के हैं इनको और गिरफ्तार किया। इन मुलजिमों से पूछताछ करी और पूछताछ करने के बाद अभी तक हमें करीब कुल 200 ग्राम लूट में 200 ग्राम सोना और करीब 12 किलो चांदी की बरामदगी करी है। ये मुलजिम और माल को रेवाड़ी से बरामद करके अभी थाने अभी लाया गया है, इनको यहां से और पूछताछ की जा रही है और इसके बाद में हमें संभावना है कि इसमें कुछ और मुलजिम जो बाकी है जिसमें मुख्य रूप से मुकीम है जो कि एक घटना का मुख्य योजनाकार रहा है, अभी उदयपुर जेल में बंद है। विभिन्न इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर भी लूट के काफी केसेस हैं और इसने इसको जेल में बैठ करके योजना बनाई थी और साथ ही हथियार और अन्य सहयोगियों सह अपराधियों को भी इसने इस घटना के लिए तैयार किया। तो इस प्रकार से ये इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अभी इसमें और भी कई कड़ी से कड़ी जोड़ना बाकी है और कुछ मुलजिम जो भी फरार है उनको भी हमें गिरफ्तार करना है। मुलजिम जो दिलीप मुख्य मुलजिम इसमें लूट करने वाली घटना में जो दिलीप है इसके खिलाफ पहले भी करदनी थाने में एक बलात्कार का मुकदमा है जिसमें ये जेल जा चुका है और संभवतः जब इसकी इस घटना के कार्यरत करने में जब जेल में था वहीं पर इसकी अपराधी जो मुकीम है उससे कहीं जानकारी हुई। दूसरा व्यक्ति जिसको कि आज ही
धारूहेड़ा और रेवाड़ी के पास गिरफ्तार किया गया है संदीप कुमार। ये संदीप भी इसमें कई अपहरण के मुकदमे में चालानशुदा है। इसके खिलाफ रेवाड़ी में भी कई अपराधी केसेस हैं। तीसरा अपराधी जो है एक इसमें एक और नाम सामने आया है, सादर खान नाम का एक अपराधी है जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसने भी जेल से ही इसमें काफी इस योजना बनाने में अपना भूमिका निभाई है और वो भी अभी कई चीजें इसमें इसके बारे में भी अभी तफ्तीश और की जानी है, काफी गिरफ्तार है। इस प्रकार से अभी हमारे पास में चार मुलजिमों को इसमें गिरफ्तार किया कर लिया गया है, जिसमें दिलीप, विनोद, सुमित और दीपक है। इसमें मुख्य योजनाकार मुकीम है जिसको अभी हम जेल से प्रोडक्शन वारंट लेकर के प्राप्त किया जाएगा और कुछ अन्य मुलजिम जो है जिनकी अभी तलाश जारी है और उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। इस प्रकार से जो हमारी टीम है इन्होंने काफी मेहनत करके और खास तौर से सबसे पहले जो ACP भोटवाड़ा है इन्होंने जाकर के जो चोरी की जो वाहन प्रयुक्त किया गया था स्कूटी उसके बारे में अनुसंधान किया और वहां जाके इस घटना की तस्दीक करनी चाहिए चोरी की, तो वहां से हमें लीड मिली और उसके बाद में एडिशनल DCP बजरंग सिंह नेतृत्व में अलग अलग स्थानों में टीमें गई है और उन कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए इस बड़ी योजनाबद्ध तरीके से की वारदात को खुलासा करने का कार्य किया। और अब इनसे अभी मुलजमान से और पूछताछ की जा रही है, इनसे रिमांड लेके पूछताछ करेंगे जिससे कि अन्य कोई योजनाकार जितने भी हैं उनको गिरफ्तारी की जाएगी। ऐसा लूट की अगर बात की जाए तो कितना सोना गया था और कितनी चांदी गई थी और कितनी शेष रह गई है? देखिए ऐसा है कि जब जो हमें FIR प्राप्त हुई उसमें उन्होंने बताया गया कि 80 से 1 करोड़ के बीच का टोटल कीमत का माल जो है लूट किया गया, जिसमें उन्होंने 500 ग्राम सोना और 50 किलो चांदी बताई है। अब तक की जो है हमारी है उसमें करीब हमने 200 ग्राम सोना और 15 किलो चांदी बरामद कर ली है और बाकी कुछ मुलजिम अभी शेष हैं, उनसे भी गिरफ्तारी करने के बाद और माल बरामद किया जाएगा। जिस तरह से वारदात हुई सर उस समय तो 2-3 आदमी बता रहे थे, तो ये कितने लोग हैं? बिल्कुल मोटे रूप में जब वारदात हुई उस समय एक्चुअल घटना कारित करने में 3 ही व्यक्ति थे, माही रमन और पंकज, ये 3 ही व्यक्ति थे जिन्होंने स्कूटी पे तीनों आए और स्कूटी पे आकर के इन्होंने वारदात करी। वारदात करने के बाद स्कूटी और प्लस जो बालाजी ज्वेलर्स की खुद की उनकी स्कॉर्पियो थी उस वाहन को भी वो वहां से लेकर के फरार हो गए, जिसके दोनों वाहनों को उन्होंने दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर आगे जाकर के छोड़ दिया और वहां से अन्य वाहन से आगे निकल गए। परंतु इन 3 व्यक्तियों के अलावा जो इसमें मुख्य योजनाकार है वो मुकीम है जो अभी जेल में है, उसने पूरी योजना बनाई। साथ ही वारदात करने में जो सहयोग करने वाले हैं जिसमें हरियाणा में से जिसको हमने दस्तयाब किया है सुमित और दीपक, ये लोग इन्होंने जब मुलजिम यहां से अपराध करके आगे भागे तो उनको आगे सहयोग देने में, शरण देने में, मार्ग को फुटबुट करने के अंदर इन्होंने काफी सहयोग किया है। सर ये ठिकाना सर इन्होंने कहां बनाया था इन्होंने और प्लानिंग कब से शुरू हुई थी, कितने महीने से? दूसरी चीज सर ये कुछ ज्वेलर्स को निशाना बनाने वाले थे, कौन कौन से इनके निशाने पड़ते सर? देखिए ऐसा है कि ये जो अपराधी हैं इनमें काफी पहले से अपराध में लिप्त रहे और निश्चित रूप से इनकी योजना ये थी कि काफी समय से अलग अलग इन्होंने ठिकाने अपनी रेकी की थी और कहीं किसी ज्वेलर को ऐसी सूचना भी जिसकी अभी तस्दीक की जानी बाकी है और अभी इनमें इन्होंने काफी काम करना बाकी है। निश्चित रूप से इन्होंने और भी प्लानिंग करी है तो उस सारी योजना को जिस जहां रेकी करी वो भी तफ्तीश की जानी बाकी है, लेकिन अभी तक अभी इनकी वारदात इस पूरे गिरोह ने एक साथ जो वारदात की यही वारदात की, इससे पहले अभी तक कोई जानकारी इस पूरे गिरोह में एक साथ करने की अभी तक नहीं आई है। महिला की कितनी भूमिका थी? इसमें देखिए एक महिला भी है जिसका नाम आ रहा है लेकिन अभी उसकी भूमिका सक्रिय थी, वो सहयोग करने में इनके साथ में थी और महिला नहीं जो महिला कौन सी एक स्कूटी जिसकी थी उसका कोई योगदान अभी अपराध में नहीं आया क्योंकि उसके उसका जो एक मित्र था विनोद प्रजापत, उस विनोद प्रजापत ने उससे गलत बात कह कि मेरे मित्र को स्कूटी चाहिए ये कहकर के उसकी स्कूटी उन्होंने ली और उसको इस चीज का अंदाजा नहीं था कि ये वाहन अपराध करने के लिए मेरे से मांगा जा रहा है। सर क्या प्लानिंग की है कि यहाँ से सोना लूट के कहाँ ले जाना है, किसको बेचना है? देखिए अभी बिल्कुल इतना मात्रा माल उठा गया, अभी तक इनकी योजना जो है ये निश्चित रूप से इन्होंने अभी तक जो माल बरामद हुआ है वो इन 2-3 व्यक्ति से हुआ है, इसके अलावा अन्य व्यक्ति भी जो मुलजिम है वो फरार है, उनसे भी शीघ्र अभी पूछताछ की जानी है और निश्चित रूप से माल को बेच करके भी कमाना इनका उद्देश्य था। ये मुकीम जो था इसने माही को हायर किया यहाँ पर और इस योजना को अंजाम देने के लिए, मुकीम के खिलाफ किस तरह के ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं उसके और यहाँ से किस तरह की वारदात? देखिए मुकीम जो है ये एक बड़ा शातिर अपराधी है और ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसके खिलाफ जो है डकैती लूट और पेट्रोल पंप लूट इस तरह की काफी वारदातें इसने करी है जिसमें ये अभी तक जेल में चल रहा है, काफी बहुत बड़ी लंबी फेहरिस्त इसके मुकदमों की तभी जिसमें।
नहीं ऐसा नहीं है, ये देखिए जेल में एक्चुअली अपराधी अलग अलग तरह के अपराधी आते हैं और अलग अलग जेलों से अलग अलग ट्रांसफर होकर आते हैं, तो वो वहां अंदर कई बार जब समय मिलता है तो योजना बना लेते हैं और वो कई जो अपराधी जमानत होकर बाहर जाते हैं उनसे फिर वो योजना बना के अपराध कार्य कराते हैं। इसमें ऐसी कोई खुफिया तंत्र की फेलियर वाली बात नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से हालांकि नजर रखी जाती है जेलों पर भी अंदर जो, लेकिन कई बार जो अंदर कैदी साथ होते हैं वो बैठ के योजना बना लेते हैं टर्मिनल पर और बाद में जब बाहर जाकर के वारदात को अंजाम